हेलो क्लास, कैसे हो आप लोग? मुझे आशा है आप घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास सेवेंथ पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, गृह कार्य से संबंधित है, जो कि बेटा आप लोग सेवेंथ बी तो बहुत अच्छे से अपना कार्य भेज रही है, लेकिन सेवेंथ ए अपना कार्य समय समय पर नहीं दे रही है और ना ही बच्चे रिस्पांस कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो सेवेंथ में बराबर अपना काम दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना काम नहीं भेज रहे हैं। सेवेंथ भी मुझे बहुत अच्छा काम दे रही है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, लेकिन सेवेंथ आप इसी तरह करते रहेंगे तो आपका नुकसान भी होता रहेगा और आपको आगे के लिए बहुत सारा काम भी बढ़ता जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से काम करें और जो मैं आज ये नया पाठ आपको वीडियो के द्वारा भेज रही हूँ, इसके साथ आप पिछला कार्य भी मुझे भेजेंगे, ठीक है बच्चों? लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो पाठ है, पाठ 6 भगत सिंह की शहादत, जो हिंदी साहित्य का है, इसका परिचय मैं आपको दे देती हूँ। यह एक संस्मरण है जो महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अंतिम दिनों की झांकी प्रस्तुत करता है। फांसी की सजा सुनते ही पूरा देश स्तब्ध हो गया था। उनके मित्र एवं वकील प्राणनाथ मेहता इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव मर्सी अपील पर हस्ताक्षर कर दे, जो असंभव था। श्री मेहता की मर्सी अपील से पूर्व वायसराय को जो पत्र इन्होंने लिखा था, इसका अनुवाद ही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। 21 मार्च 1931 की सुबह लाहौर के एक प्रमुख वकील को दिल्ली से श्री आशफ अली की का टेलीफोन आया। वह सज्जन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आदि क्रांतिकारी कैदियों के लिए निश्चित कानूनी सुरक्षा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं की बैठक बुलाई और बताया कि महात्मा गांधी ने हाल ही में लॉर्ड इरविन से जो है अपील की है कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा रद्द कर दी। उस पर वायसराय सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। आसफ अली साहब का कहना है कि इस समय यदि भगत सिंह और उनके साथी भी शीघ्र ही पत्र मर्सी अपील वायसराय के पास भेज दें तो उनकी प्राण रक्षा निसंदेह हो जाएगी। निसंदेह मतलब जिसमें की कोई संदेह नहीं है। यहां तक तो सभी सहमत थे, पर सवाल यह था कि सिर पर कफन बांधकर फांसी के तख्ते का इंतजार कर रहे इन बहादुरों को मर्सी अपील करने की बात कहने की हिम्मत किसमें है? वे लोग मानेंगे या नहीं, यह तो सोचने वाली बात है। किसी ने सुझाया कि यह काम प्राणनाथ मेहता को सौंपा जाए। प्राणनाथ भगत सिंह के बचपन के दोस्तों में से थे। उन्होंने भगत सिंह के लिए कानूनी दौड़ धूप करने की इच्छा से गवर्नमेंट कॉलेज की एमए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वे एलएलबी की परीक्षा पास कर चुके थे। प्रिवी काउंसिल को भेजी जाने वाली अपील पर भी भगत सिंह और उसके साथियों ने प्राणनाथ मेहता के कहने पर ही हस्ताक्षर किए थे। कुछ सोच विचार करने के बाद प्राणनाथ मेहता ने उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और पंजाब सरकार से आज्ञा लेकर उसी साल वह भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने जेल में गए। इस मुद्दे को लेकर वे काफी चिंतित थे। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी लेना। पिछले 7-8 घंटे प्राणनाथ मेहता यही सोचते रहे कि वे किस तरह इस प्रस्ताव को इनके सम्मुख रखेंगे, पर जब वो उनके सम्मुख पहुंचे तो उनके चेहरे की घबराहट छिपाई नहीं छिप रही थी। भगत सिंह ने कोई मजाक कर उन्हें संभलने का अवसर दे दिया। बातचीत गांधी जी के प्रयत्नों के संबंध में चली। प्राणनाथ ने कहा, गांधी जी के प्रयत्न सफल भी हो सकते हैं यदि उन्हें आप लोगों का कुछ सहयोग मिल जाएगा। राजगुरु ने गंभीर होकर पूछा, हम लोगों का कैसा सहयोग? प्राणनाथ ने कहा, इतने सीरियस न बनो राजगुरु, तुम्हारा यह रूप देखकर मुझे डर लगता है। माहौल फिर हल्का हो गया। प्राणनाथ ने कहा, दोस्तों तुम इस बात को तो मानते हो कि हिंदुस्तान की आजादी बहुत दूर नहीं है? भगत सिंह ने कहा, जरूर, यही विश्वास तो हमारी प्रेरक शक्ति बना हुआ है।
तो फिर आजाद भारत को तुम लोगों की जरूरत सबसे अधिक होगी। नए भारत का निर्माण तुम लोगों से अधिक अच्छा और कौन कर सकेगा? सुखदेव ने कहा, प्राणा, हम लोग तो भारत की आजादी की नींव के पत्थर हैं। नींव के पत्थर मतलब आधार हैं। ऊपर की इमारत तो बाद के लोग बनाएंगे, उसकी चिंता करना हमारा काम नहीं है। भगत सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, यार वकीलों वाली बातें छोड़, सीधे तौर से बता तू क्या कहना चाहता है। यही कि तुम्हारा जीवन कौम की थाती है, थाती मतलब धरोहर, और कौम चाहती है कि तुम गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए वायसराय के नाम पर मर्सी अपील भेज दो। मर्सी अपील मैंने बताया था आपको, दया की याचना। तीनों के चेहरे एकाएक गंभीर हो गए। राजगुरु ने कहा, प्राणनाथ, तुमसे हमें यह उम्मीद न थी। कोई और यह बात कहता तो मैं धक्के देकर उसे कमरे से बाहर निकाल देता। सुखदेव बोले, हम तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझते थे। प्राणनाथ, यह बात कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? भगत सिंह ने आग के इशारे से अपने दोस्त दोनों साथियों को चुप किया और बड़ी शांत आवाज में पूछा, किस तरह की मर्सी अपील तुम चाहते हो, हमें समझाओ। उत्साहित होकर प्राणनाथ ने कहा, मुझे गलत मत समझो मेरे दोस्तों, हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते जिससे तुम्हारी बहादुरी को बट्टा लगे। आज रात हमारी कमेटी की बैठक में ड्राफ्ट बनाया जाएगा जो मैं कल सुबह तुम्हारे पास लाऊंगा। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मर्सी अपील तो हम भी बना सकते हैं, मगर यार हमारे मुकदमे ने तुम्हें एक कामयाब वकील जरूर बना दिया है। क्या कहा भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए, कि मर्सी अपील तो हम भी बना सकते हैं, मगर यार हमारे मुकदमे ने तुम्हें एक कामयाब वकील जरूर बना दिया है। बच्चों, मैं यहीं तक आपको वाचन करवा रही हूँ। अब यहाँ तक का पाठ का सार मैं आपको समझा देती हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे कि पाठ में क्या है, पाठ का सार क्या है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था परिचय में कि यह पाठ एक संस्मरण है जो कि भगत सिंह के अंतिम दिनों की झांकी प्रस्तुत करता है। 21 मार्च 1931 की बात है। लाहौर के एक प्रमुख वकील को टेलीफोन आता है कि महात्मा गांधी जी ने हाल ही में लॉर्ड इरविन से जो यह अपील की है कि भगत सिंह और उनके साथियों को जो सजा दी गई है, फांसी की सजा दी गई है, उसको रद्द कर दिया जाए, उस पर वायसराय विचार कर रहे हैं। आसिफ अली साहब का कहना है कि इस समय यदि इस समय भगत सिंह व उसके साथी शीघ्र ही यानी जल्दी ही एक पत्र मर्सी अपील जो दया की याचना, दया की भीख मांगना, मतलब भीख मांगना में तो याचना और प्रार्थना कर रहे हैं दया की, कि वायसराय के पास भेज दे तो उनकी प्राण रक्षा हो जाएगी। उन्होंने क्या दया की याचना करनी, कि हमारे प्राणों की रक्षा की जाए। पर कोई भगत सिंह से यह बात कहने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि सबको पता था कि वे इस बात को नहीं मानेंगे कि वे मर्सी अपील की वो करें। भगत सिंह के बचपन के दोस्त प्राणनाथ मेहता थे कि किसी ने सुझाया कि काम प्राणनाथ मेहता करें। कुछ सोच विचार कर प्राणनाथ मेहता ने यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया। प्राणनाथ मेहता जो उनके दोस्त थे, उन्होंने कुछ सोचकर यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी। वे भगत सिंह से मिलने जेल गए। अब भगत सिंह ने उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं, तो प्राणनाथ मेहता ने कहा कि तुम गांधी जी का सहयोग करो और मर्सी अपील भेज दो। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह ने कहा, यदि इस बात को कोई और कहता ना तो मैं हम सब मिलकर उसे धक्के देकर बाहर निकाल देते। प्राणनाथ मेहता ने कहा कि भगत सिंह, उसे गलत मत समझो, तुम उसे गलत समझ रहे हो। वे यह नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से उनकी बहादुरी को बट्टा लगे, लेकिन उनके द्वारा जब भगत सिंह तक यह बात पहुंचाई गई
तो भगत सिंह और राजगुरु को बहुत बुरा लगा जो उनके साथी थे। तो उन्होंने कहा कि यदि इस बात को, मर्सी अपील की बात को, यदि तुम्हारी जगह कोई और कहता तो हम तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दें। लेकिन प्राणनाथ ने उन्हें क्या कहकर समझाया कि तुम मुझे गलत मत समझो। ठीक है बच्चों, यहीं तक मैंने आपको पाठ का वाचन करवाया है कि किस तरह से उनका दोस्त उनको समझाने जाता है मर्सी अपील के बारे में, लेकिन वो अपने दोस्त की बात को भी नकार देते हैं, यानी उसकी बात को भी नहीं मानते हैं। ठीक है, यहीं तक के प्रश्न उत्तर मैं बीच में से आपको दूंगी, आप लोगों को ध्यान से करना है। उससे पहले आपको कठिन शब्द करने हैं और शब्द अर्थ भी करने हैं। आप लोग लापरवाही नहीं करेंगे बच्चों, मैं एक बार फिर से सेवेंथ ए के लिए स्पेशल कहूंगी कि आप लोग गृह कार्य भेजेंगे और समय पर भेजेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से अपने कार्य को करना, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना और राइटिंग का भी ध्यान देना। समय पर मुझे अपना गृह कार्य अवश्य भेजना, घर पर अवश्य ही इस पाठ का वाचन करते रहना। थैंक यू बच्चों।